नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है बिहारियों को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना। और आप देखिए कि सरकार गठन के बाद ही परीक्षाओं को लेने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि BPSC 67वीं पेपर लीक मामले के बाद पुनर्परीक्षा के लिए भी अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। तो वही आपको बता दें कि बिहार का एक अहम परीक्षा जो कि BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाने वाला है, तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। परसों यानी कि 18 अगस्त को आयोग के द्वारा एक पत्र जिला बिहार के सभी जिलाधिकारियों को जारी किया गया है जो कि परीक्षा लेने से संबंधित है। आपको बता दें कि फॉर्म जो है वो अप्रैल से ही फिलअप हो रहा था और परीक्षा की तिथि अभी तक घोषणा नहीं की गई थी और अभी भी नहीं घोषणा हुई है। लेकिन ये पत्र जो सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करनी है और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, कैसे केंद्राधीक्षक होने चाहिए, कैसे वीक्षक होने चाहिए, इन सब के बारे में जिक्र किया गया है। और सभी जिलाधिकारियों को जो उनके यहाँ जो सुटेबल हो सकते हैं परीक्षा केंद्र, उसके बारे में जानकारी भेजने को कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि नई सरकार आने के बाद से रोजगार को लेकर जो बातें चल रही हैं उस दिशा में आयोग भी अब अग्रसर हो चुके हैं। 2187 पदों पर बहाली होनी है तृतीय सचिवालय सहायक के अंतर्गत। आपको बता दें कि 8 सालों बाद ये बिहार में इसका फॉर्म आया है और 9,12,000 कैंडिडेट इस परीक्षा में अपीयर होंगे, फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और आपको बताते चले कि एक पद के लिए 412 उम्मीदवार अभी PT लेवल पर फाइट करेंगे। आपको बता दें कि जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है सभी जिलाधिकारियों को कि वो केंद्राधीक्षक के जो छवि है उसके बारे में आकलन कर लें, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। और वैसे केंद्र को केंद्र न बनाया जाए, स्कूलों को या कॉलेजों को जो कि पहले से विवादित रहे हैं, या फिर आपको बता दें कि वहाँ पे पहले से कोई कोचिंग संस्थान चलता हो, ऐसे सेंटरों को नहीं बनाना है। इसके साथ साथ केंद्राधीक्षक जो नियुक्त होंगे, जिन्हें जिला प्रशासन नियुक्त करेगा, उन्हें अपना फ़ोन नंबर सब कुछ जो है वो आयोग को सौंपना पड़ेगा। इसके साथ साथ केंद्राधीक्षक पर ये दायित्व रखा गया है कि परीक्षा के दौरान जो भी वीक्षक रखे जाएंगे वो भी साफ सुथरी छवि के हो, विवादास्पद उनका चरित्र न हो। तो आपको बता दें कि डेट अभी भी क्लियर नहीं है, सितंबर और अक्टूबर में तृतीय सचिवालय सहायक परीक्षा लेने की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच में प्रश्न है कि क्या सितंबर और अक्टूबर में, अक्टूबर तो पूरा त्योहारों का महीना है, दुर्गा पूजा है बिहार में, इसके साथ साथ दिवाली, और अक्टूबर खत्म होते ही छठ की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में कोशिश तो आयोग की हो रही है कि सितंबर अक्टूबर में, और मांगे गए हैं जिलाधिकारियों से इसको लेकर जो सुविधाएं हैं जो उनके यहाँ पर सेंटर बन सकते हैं उनको लेकर जानकारी। लेकिन इन सब के बीच में एक बात का चर्चा करना और आवश्यक है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि इसी आयोग यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2014 से शुरू की गई थी, 2022 में परीक्षा पूर्ण हुआ। लेकिन इस परीक्षा में भी लगभग 3,000-4,000 के आसपास पद खाली हैं या खाली रह जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र, हजारों की संख्या में छात्र हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करे, दूसरी सूची जारी करे काउंसलिंग की या फिर मेरिट की, क्योंकि 8 साल छात्र इस परीक्षा में लगा चुके हैं, सीटें भी खाली रह गई और छात्र बेरोजगार भी रह गए काउंसलिंग करा करा कर। तो ऐसे में ज़रूरत है आयोग को कि सरकार अभी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देना चाहती है, तो ऐसे में बैकलॉग को भी भरा जाए। अभी ही परीक्षा प्रथम इंटर स्तरीय का खत्म हुआ है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 13,120 पदों पर बहाली सुनिश्चित हो और इतने कर्मचारी बिहार सरकार को मिल जाए। और हम आशा करेंगे
कि सितंबर अक्टूबर में है, तो जल्द से जल्द आयोग के द्वारा डेट भी घोषित कर दिया जाए, ताकि वैसे कैंडिडेट जो बिहार के से बाहर रहते हैं उन्हें भी आने में सुविधा हो, अपना टिकट करा सके और ससमय वो अपने सेंटर पर पहुंच सके। तो ज़रूरी है कि आयोग जो है तिथि घोषणा करे, जो कि छात्रों के तैयारी के लिए भी ज़रूरी है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी ज़रूरी है। तो हम आशा करेंगे कि सरकार की जो नई सरकार जो गठित हुई है उनका पहला प्राथमिकता है रोज़गार देना, तो रोज़गार देने के उनके प्रण में बिहार के आयोग भी कदम ताल मिला के चले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण बिहार में हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।